સંઘ પ્રદેશ દાત્રનગર હવેલી લોકસભા બેઠકની યોજાઈ રહેલી પેટા ચૂંટણીનો પ્રચાર માટે આવેલા ભાજપના સાંસદ અને ભોજપુરી ફિલ્મના અભિનેતા મનોજ તિવારીએ ઉત્તર ભારતીય મતદારોને રીઝાવવા માટે ચૂંટણી સભા સંબોધી હતી. દાદરા ખાતે યોજાયેલ જાહેરસભામાં મનોજ તિવારીએ મુંબઈમાં ફિલ્મી અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતના અપઘાત પ્રકરણમાં શિવસેના પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. कमाल के संजोग मतलब कमाल के संजोग. जो अवसर आज आपको सिलवासा को मिला है, दादरा नगर हवेली को मिला है, वो इस समय देश में इस समय किसी को नहीं मिला है. जो अवसर आपको मिला है वो अवसर क्या है अभी तो ठीक बात. नट्टू भाई इनके संगे हम लोग बातचीत कर करके मेडिकल कॉलेज आइल इन नदिया में का बनत रहे घाटों के का कहिया रिवर फ्रंट. अरे ताली मारो क्या रिवर फ्रंट. जबरदस्त रिवर फ्रंट है. आप सोचो नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जवन जोन कहले मुख्यमंत्री के रूप में कुल नट्टू भाई अजिंगा करे के प्रयास के लिए बटे सफलता भी मिल रही. एक मतलब इसका मतलब कि बीजेपी लोगों को खुशियां देने में विश्वास करती है. शिवसेना पार्टी यहाँ पे प्रचार कर रही है और कहा जा रहा है कि शिवसेना आने के बाद यहाँ पे दंगा फसाद या तो फिर लोगों में भय का माहौल रहेगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमारा तो मुख्य बात यही है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है. दादरा नगर हवेली का विकास पीछे भी जब हुआ नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, जब नट्टू भाई पटेल यहाँ के सांसद थे तब हमने देखा. अब महेश गावित खड़े हैं, सभी लोग हम लोग साथ में खड़े हैं और मेरी दादरा नगर हवेली सिलवासा से बार बार एक ही प्रार्थना होगी कि आइए हम सब मिल करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, दादरा नगर हवेली को विकास के रास्ते पे आगे ले जाएं. शिवसेना विकास से उसका कोसों दूर का भी रिश्ता नहीं है. शिवसेना जिस प्रकार का शासन करती है वो सबको पता है. हम आप सबसे आपके मार्फत मीडिया के मार्फत सबसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आइए भारतीय जनता पार्टी को जिताकर, महेश गावित को जिताकर विकास को जिताएं. सर पेट्रोल डीजल के भाव जो देश में बढ़ रहे हैं क्या कहोगे आप जिस तरह से? आपको मैं बताऊं कि ये जो थोड़ी सी बढ़त है वो इसलिए है कि जो लोग आज शिवसेना के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में शासन कर रहे हैं उनका ऑयल बैंड का कर्ज भर रहे हैं, ऑयल बॉन्ड का कर्ज भर रहे हैं. 1,50,000 करोड़ का जो भारत के ऊपर कर्ज दे रखी थी यूपीए गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे चुका रहे हैं और ये देश मिलकर के उसको चुका रहा है. मुझे लगता है बस थोड़े दिन में पूरे देश के लोगों को उसमें भी कमी आएगी जैसे हर क्षेत्र में कमी. वैक्सीनेशन में भारत ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, इसका श्रेय किसको देना चाहिए? देखिए जनता बोल रही है कि नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है और वास्तव में जो प्रधानमंत्री लैब लैब घूम घूम करके एक एक टेस्ट में वो बैठे हैं, उनको जीवन दे दिया पूरे देश के लोगों को, तो ऐसे नरेंद्र मोदी को मैं बस प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और ऐसे नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत हम महेश गावित को जिता करके करें. भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली और सिलवासना मतदारों भारतीय जनता पार्टी साथ जोड़ायेला है और जे रीते પ્રચારનો દોર જામ્યો છે અને જે રીતે અગ્રણીઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સક્રિય થઈ રહ્યા છે, આજે કમલેશભાઈ જેઓ દાદરાના ડેપ્યુટી સરપંચ છે એમના ઘરે એક વિશાળ સભાનું આયોજન થયું. એમાં કી વોટર્સ કહી શકાય કે જેઓ અનેક મતદારોને અસર કરે છે એવા મતદારો સાથે એક મિટિંગ થઈ અને એ મિટિંગમાં એવું નક્કી થયું કે નરેન્દ્રભાઈએ જે દેશને કોરોનામાંથી બચાવ્યો અને ત્યાર પછી રસીકરણ કરીને જે કોરોના પાછો નહીં આવે એના માટે 100 કરોડનું રસીકરણ વિનામૂલ્યે ભારતીયોને આપ્યું, તો નરેન્દ્રભાઈને આપણે ઉપહાર તરીકે પણ એક આભાર માનવા માટે પણ આવી જે કંઈ પણ પેટા ચૂંટણી છે એમાં દાદરા નગર હવેલીની પેટા ચૂંટણી મહત્ત્વની છે એ નરેન્દ્રભાઈને ભેટ ધરીએ. મહેશભાઈ એ જે કમળનું ફૂલ લઈને જશે એ નરેન્દ્રભાઈને ભેટ આપશે એવું દરેક નાગરિકો માની રહ્યા છે અને છેલ્લા 5 દિવસથી
जे रीते प्रचारनो दौर जाम्यो छे, आखा दादरा नगर हवेलू सेलवासनुं वातावरण बदलाई रह्युं छे अने 100% ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થશે. થેન્ક યુ સર.